नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल राइट न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अर्शी, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री सुक्षी शोभा कंद्रलाजे ने कृषि नियात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता पर बल दिया, जिससे उचित समय सीमा के भीतर किसानों की आय दुगनी हो सके। उन्होंने कहा कि भारत को कृषि उत्पादों को एक प्रमुख नियंत्रक के रूप से आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। शहर में BRAR भवन में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों के साथ एक बैठक में बोलते हुए मंत्री ने कृषि नियंत की निगरानी के लिए एक समर्पित सेल की आवश्यकता पर जोर दिया, जो केंद्र राज्य सरकार कृषि और प्रसंस्कृत खाद के साथ समन्वय करेगा। उत्पाद नियंत्रण विकास प्राधिकरण APDA और किसानों को ये सुनिश्चित करने के लिए किसानों को उनकी उपज का मूल्यवर्धन मिले। उन्होंने राज्य में 20 लाख एकड़ में पाम तेल उगाने के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को हाथ में लेने के लिए राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि इससे देश को बहुत सारी विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी। सुक्षी कंद्रलाजे ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसे उद्योग समर्पित करने का प्रयास किया जा रहा है जो तिलहन और संसाधित कर रह सके, जिससे तिलहन की खेती लाभदायक हो सके।